हाँ भाई, कैसे हो सभी। तो आज बहुत सी न्यूज़ है हनी पाजी की साइड से, तो कोशिश करना कि एंड तक देखो। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो हनी पाजी को एक अवार्ड मिला है उनके ट्रैक सैया जी के लिए मोस्ट पॉपुलर म्यूज़िक एल्बम 2021 एंड 2022 के लिए, और ये अवार्ड है इफ्ताह। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हनी पाजी एंड हिज टीम। बाकी मुझे एक चीज़ बताना, पर्सनली मैं ऐसा फील करता हूँ जिस पोजीशन पे सैया जी है, 550 मिलियन व्यूज़ और अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, इस जगह पे क्या फर्स्ट केस डिजर्व नहीं करता? या फिर टुगेदर फॉरएवर जिसके 10 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं, भाई वो क्या 100 मिलियन व्यूज़ क्रॉस नहीं कर सकता है? बाकी एक चीज़ और याद रखना, सैया जी एक ऐसा ट्रैक था जिसमें हनी पाजी को सबसे ज़्यादा ट्रोल किया गया था बिकॉज ऑफ लिरिक्स, क्योंकि भाई रिपीटेड लिरिक्स थे। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, हनी पाजी ने इसलिए ऐसे गाने बनाए क्योंकि ऑडियंस ये पसंद करती है, तभी तो व्यूज़ इतने खतरनाक बूम हुए, ऐसे थोड़ी ना व्यूज़ आगे बढ़ गए। बाकी मुझे ऐसा लगता है भाई, इससे कहीं बेहतर ट्रैक्स हनी पाजी दे चुके हैं जिन पे व्यूज़ नहीं है। आपका क्या सोचना है कमेंट में बताओ। ओके, अगली न्यूज़। तो धीरू मौंचिक की एक वीडियो निकल के आई थी जिसमें उन्होंने हनी पाजी के बारे में कुछ ऐसी बात बोली, देख लो, देन आगे बात करते हैं। हनी सिंह, तुमने अपनी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती करी थी उर्वशी रोहतेला को अपने गाने के अंदर लेके। वेल, पहली अभी भी बादशाह के हाथ में माइक पकड़ाना थी। सो बेसिकली सीन कुछ ऐसा है, ये जो वीडियो थी उर्वशी रोहतेला पे, भाई रोस्टिंग वीडियो थी, तो इसी वजह से धीरू मौंचिक ने ये बात बोली। बाकी जो बादशाह वाली बात बोली थी वो एकदम सही थी, अब आप उसको पॉजिटिव मिलो या फिर नेगेटिव मिलो। इसके अलावा आगे बात करते हैं, ठगीस की साइड से भी एक वीडियो निकल के आई थी जिसमें भुवन बाम कुछ ऐसी बात बोलते हैं। उत्तराखंड के फार्मर्स अपने खेतों से जंगली सुअरों को भगाने के लिए बड़े बड़े लाउड स्पीकर पर यो यो हनी सिंह के गाने बजाने लगे, और वो गाने सुन के जंगली सुअर सच में भाग जाता। ट्रू, इट्स करेक्ट न्यूज। लिखा है उसमें है? लिखा है? अरे भाई बताइए तो, बताइए आप भी तो बताइए। मन घटत लग रहा है मेरे को। फॉल्स नहीं, मतलब कितनी फनी बात है, सुअर को भी अब ये चीज़ समझ आने लगी कि किस आर्टिस्ट के गाने सुनने हैं और किसके नहीं, और किसके सुन के भाग जाना है। भाई लॉजिकली बात करें, चाहे रफ्तार के बजा दो, चाहे बादशाह के बजा दो, चाहे हनी पाजी के बजा दो, या फिर चाहे ड्रेक के बजा दो, भाई सुअर को दिक्कत है शोर से, दैट्स वाई वो वहाँ से भागते हैं। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। चलो आगे बात करते हैं। तो कल हनी पाजी ने एक पोस्ट ड्रॉप करी थी एंड कैप्शन में लिखा था, टाइम टू रन हॉलीवुड, नाउ आर यू रेडी। तो देखो, हनी पाजी का एक फ्रेंड है, यही कह लो कि दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, इंडो भाई, वो बेसिकली एले में रहते हैं, बिजनेसमैन है। तो हनी पाजी अभी हॉलीवुड क्यों गए हैं उसका मैं आपको जवाब देता हूं। अभी आपको पता है रिसेंटली हनी पाजी दुबई में थे, तो वहां पे वो किसी काम से नहीं गए थे, वहां पे वो छुट्टियां मनाने गए थे फैमिली के साथ में, और अब जा चुके हैं वो एले। तो एले गए हैं वो एल्बम के शूट के लिए, क्योंकि हनी पाजी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं एले में शूट करूंगा अपनी जितनी भी म्यूजिक वीडियो हैं जो एल्बम में आने वाली हैं, मतलब हॉलीवुड में उनका पूरा शूट होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे, और शूट करेंगे पूरी म्यूजिक वीडियो को रूपन बाल। और हनी पाजी अभी बहुत लंबे टाइम तक वहां पे रुकने वाले हैं, जितने भी म्यूजिक वीडियो हैं आई थिंक वो अमेरिका में ही शूट होने वाली हैं। बाकी बहुत लोगों का सवाल होगा कि भाई एल्बम कहाँ से देखने को मिलेगी, किस लेवल से देखने को मिलेगी, तो भाई देखो प्रोबेबली चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंडिपेंडेंटली ड्रॉप होगी, टी सीरीज वगैरह से नहीं आएगी, हनी पाजी के ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आएगी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनका जो चैनल है भाई बहुत तगड़ा ग्रो करेगा, उसको लेवल बनाना ही है हनी पाजी को, तो भाई वो बन जाएगा, और प्रमोशन भी तगड़े होंगे इसके, क्योंकि अगर टी सीरीज़ वगैरह से आनी होती ना तो अभी तक भाई बहुत बार अनाउंसमेंट हो चुकी है, और ये जो अनाउंसमेंट है टी सीरीज़ की साइड से होती है फिर किसी अदर लेवल से, लेकिन लेवल से नहीं आने वाली है, हनी पाजी को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही आएगी ऐसा मुझे लगता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं। आपका क्या सोचना है कमेंट में बताओ। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतनी अपडेट्स हैं, अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हनी पाजी के ट्रू फैन हो। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।